So previous lecture में we have discussed induced electric field. We have seen several points where we have seen it is different from induced electric field. एक नया term देखा था हमने, कुछ points देखे थे, discuss किए थे हमने, जहां पे it was different from the electric field produced by charges, right? Charge particles electric field बनाते हैं, उससे थोड़ा अलग होता है, but yes, ये भी electric field है, because it exerts force on charge particles. ये आता क्यों था? This arises due to varying magnetic field. अगर किसी region में magnetic field fluctuate हुआ, तो एक electric field induced होता है. We call it induced electric field. This field also exerts force on charge particles. ये charge particles पे force लगाता है, right? Now, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड निकालने और समझने की कोशिश करी थी. कैसे? सपोज देयर इज अ सिलिंड्रिकल रीजन इन विच देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है. सो ये इसका सेंटर है. इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज आर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी हमने. ये सिलिंड्रिकल रीजन है जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, बी एंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो आपको पता करना है. सो कल लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा डेरिवेशन भी देखा ही था. इनफर ये एक लूप एज्यूम कर लो आप, एज्यूम दैट देयर वाज अ लूप. इस लूप से कुछ का रेडियस आ रहा है, इससे कुछ फ्लक्स पास हो रहा है. कितना पास हो रहा है? बी इंटू पाई आर स्क्वायर, बी इंटू पाई आर स्क्वायर से फ्लक्स एसोसिएट. सो इंटीग्रल ई डॉट डीएस व्हिच रिप्रेजेंट्स ई व्हिच इज माइनस डी फाइव बी बाय डी टी, ये हम डेफिनेशन लगाने वाले थे. हर पॉइंट पे सिमेट्री के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डी एस. तो हमने देखा था ई और डी एस के बीच में एंगल जीरो है, तो ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो वन हो गया था, डी बाई डी टी ऑफ बी इन टू पाई आर स्क्वायर, राइट? ई कॉन्स्टेंट था, ई कॉन्स्टेंट था, डी एस इस पूरे का इंटीग्रल कितना हो गया? टू पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी वी बाई डी टी. तो ये एक आर कट, एक पाई कट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज आर बाय टू डी बी बाय डीटी, ये हमने फाउंड आउट किया, राइट? याद है ना? हाँ सर. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ऑब्जर्व करो आप, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर. dv by dt तो हर पॉइंट पे सेम ही है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. तो अगर आप r का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा. याद है वहां पे हमने उल्टा देखा था, जैसे दूर जाते हैं तो फील्ड लाइन सेपरेट होने लगती हैं, राइट? अगर एक चार्ज पार्टिकल का फील्ड होता, रेडियल फील्ड होता, तो दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगता है, राइट? ऑब्वियसली वो रेडियल फील्ड के लिए. तो ये ऐसा था, लाइंस सेपरेट होने लगती हैं, क्यू चार्ज है तो इससे लाइंस निकल के सेपरेट, यहाँ फील्ड कम होगा, यहाँ ज्यादा, यहाँ पे फील्ड यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, राइट? सो वन थिंग इज श्योर कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. अब इमेजिन आप दूर जाते जा रहे हो तो फील्ड बढ़ता जा रहा है. अगर आप फील्ड के बाहर चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड के, ये सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर, सपोज इसका रेडियस कैपिटल आर है, किसका? द सिलिंड्रिकल रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज ऑफ रेडियस कैपिटल आर. कंसिडर अ पॉइंट आउटसाइड दिस, यहाँ पे स्मॉल आर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सो व्हेन यू हैव टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द
सिलेंड्रिकल रीजन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई है। तो अगर मैं फिर से अप्लाई करूं 5b इज इक्वल टू बी इंटू बाई स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर, तो फिर से रब करके लिखता हूं मैं। अगर फिर से मैं यहां पे अप्लाई करूं तो 5b फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया इज हाउ मच, b इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर? स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज उसके बाहर तो फील्ड है ही नहीं, कैपिटल आर के बाहर तो फील्ड है ही नहीं, सो इस रीजन में थोड़ी ना फील्ड है, तो 5b में सिर्फ इतना ही आएगा, तो 5b इज b इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो 5b इज b इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, समझा? हाँ सर, पक्का? अब तो डी फाइव बी बाई डी टी अगर किसी ने पूछा तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी बी बाई डी टी, बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया आपने, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। ओके, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नो सी, इस सारे पॉइंट्स पे ई और डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस अगर मैं कैलकुलेट करूं, वेयर ई स्टैंड्स फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई डॉट डी एस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, तो ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो वन हो गया, इंटू डी एस। सिमेट्री के हिसाब से हर पॉइंट पे ई का वैल्यू सेम है, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल डी एस, इंटीग्रल डी एस कितना हो गया 2 पाई स्मॉल आर या कैपिटल आर? कैपिटल स्मॉल आर। अगले तो इसका सर्कमफेरेंस निकाल रहा हूं ना, तो ये स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर तो ये स्मॉल आर उस पॉइंट का डिस्टेंस है ना, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर रेडियस के लिए, कौन सा वो सिलिंड्रिकल रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, स्मॉल आर इज सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मेजर करना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे निकालना है, तो कैपिटल ई इंटू टू पाई स्मॉल आर, ना ई इंटू टू पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, तो पाई पाई कट, ई का वैल्यू आ गया कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू डी बी बाई डी टी वन बाय आर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब पहले तो फील्ड बढ़ रहा था उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तब तक जब तक आप उस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में हो, एज यू क्रॉस दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बियॉन्ड, सर एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड द रीजन विच कंटेन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर गए यहां तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो अगर आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा नजर आएगा आपको? ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये स्मॉल आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर पे तो जीरो था ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कहां था, कैपिटल आर तक, इसके बाद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग with inversely proportional to smaller, starts decreasing inversely with smaller. कुछ नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। So this is how induced electric field varies. ठीक है? Okay. Now next is
नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके ऊपर, बनते तो अच्छे क्वेश्चंस थे। समझो सिलिंड्रिकल रीजन है जहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एंड इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B इज इक्वल टू 0.5 टी स्क्वायर टेस्ला, फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ क्यू, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है? सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, ये सेंटर है, तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे टी इज इक्वल टू 0 पे वो चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन? 0। 0 क्यों? फील्ड चेंज हो रहा है, फील्ड ही 0 है ना, फील्ड 0 है। तो तुमने डिराइव करके देखा है क्या? देखा हेलो, आंसर सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा ना। देखो ये कंफ्यूज मत हो, अगर फील्ड 0 होना अलग होता है, डीबी बाय डीटी 0 होना अलग होता है। हाँ, मुझे फील्ड से कोई लेना नहीं, इस बार डीबी बाय डीटी 0 है इसके लिए आपको मिला, समझा? सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्यू इनटू ई, और ई का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, क्या था? आर बाय टू डीबी बाय डीटी, जब तक आप फील्ड के अंदर, तो क्यू आर बाय टू डीबी बाय डीटी इज स्मॉल टी, तो एट टी इक्वल्स टू 0 फोर्सेस 0। Now, suppose this was not free to move, तो जैसे 0 सेकंड से आगे बढ़ोगे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये फ्री नहीं होता, सपोज करो मतलब बांध के रखा है या नेल करके रखा वहां पर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड अगर मैं पूछता था तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड वुड बी आर बाय टू, आर बाय क्यू आर बाय टू, हाँ क्यू बी QR by 2, तो electric force would be QR by 2, in which direction? Left, right, up, down, anti-clockwise, force का direction पूछ रहा हूँ मैं। Left, sorry, left, पक्का? करेक्ट, तो लेफ्ट की तरफ आएगा। कैसे? सी डीबी बाय डीटी, फ्लक्स बढ़ रहा है डाउनवर्ड, टी के साथ बी बढ़ेगा, मतलब डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ते जा रहा है, सो डाउनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजेस विद टाइम, राइट? डाउनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजेस विद टाइम, तो जब डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है तो आपको इधर बाहर की तरफ एक फ्लक्स देना, तो बाहर की तरफ फ्लक्स देने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट लाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब इस रिंग पे या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, तो इधर पे फोर्स लगेगा, राइट? समझा ना? हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार 0 हो जाता ना टी इक्वल्स टू 0 पे, इसका 0.5 कर देता हूँ, एंड ये एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग, कंडक्टिंग रिंग होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस बार मैंने नॉन कंडक्टिंग रिंग लिया, तो ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, रेडियस स्मॉल आर, मास एम, कैरीज चार्ज क्यू इन इट, राइट?
ना इस पे टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा? सर करेंट नहीं होगा तो टॉर्क कैसे लगेगा? फाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन नॉन कंडक्टिंग रिंग. फील्ड है जो चेंज हो रहा है, फील्ड चेंज होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. हर पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स नजर आ रहा होगा आपको. टेंजेंशियल फोर्स है तो उस पे एक टॉर्क लगेगा रिंग के ऊपर. तो रिंग के ऊपर आपको जो फोर्स लग रहा है वो निकाल रहा है. नहीं क्या बोल रहा है? टॉर्क, टॉर्क क्या होता है सर? फोर्स इनटू फोर्स किस पे लग रहा है? पूरे रिंग पे नेट फोर्स क्या? चार्ज पे. कौन से चार्ज? चार्ज तो उस रिंग के ऊपर है. तो बेटा नेट फोर्स तो जीरो लगेगा बट उसका रोटेटिंग इफेक्ट आएगा. क्या बोल रहा है? फोर्स समझ गया लेकिन सर ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है ना, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा. करंट फ्लो नहीं होगा. करंट फ्लो होता तो फिर टॉर्क क्यों लगता? अगर करंट फ्लो तो चार्ज पार्टिकल चलने लग जाता. अभी चार्ज पार्टिकल आईए भी साइन थीटा होता है ना, वो वाला टॉर्क कहाँ लगा रहा है यार? वो तो करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखता है. यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है. यही डाउट था कि अप्लाई कर सकते कि नहीं. नहीं वो थोड़ी ना, बीआईए साइन थीटा. दिमाग लगाओ, बड़ा छोटा सा है. एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट, एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो, उसके ऊपर फोर्स निकालो, उसके ऊपर उस फोर्स का टॉर्क निकालो, उसको इंटीग्रेट करो, टोटल दिख जाएगा. करो. कीर्तन कर बेटा, क्या हो गया तुझे आजकल? पूरा डिप्रेस करते जा रहा तू मुझे. है कि चलेगा कीर्तन? तो पता नहीं क्या करो. कोई कर रहा है? कर ही नहीं रहा कोई. सी
एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो, दिस कैरीज स्मॉल चार्ज dq. So, इस पे फोर्स कितना लगेगा ये निकालो, df कितना आएगा. So, df is dq into e. So, dq चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना है, r by 2 dv by dt. So, इस पे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क इज df into r. So, dq into r square by 2 dv into dt. तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, सबका टॉर्क ऐड कर दो स्पेस पे, स्पेस पे, तो टोटल टॉर्क ऐड कर लो, तो आर स्क्वायर बाय टू डी बी बाय डी टी सबके लिए कांस्टेंट है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज क्यू हो गया. तो आंसर इज क्यू आर स्क्वायर बाय टू डी बी बाय डी टी, ये टॉर्क है. क्यों नहीं निकल रहा तुमसे, अब डी बी बाय डी टी कितना दे रखा है, 0.5 तो डिफरेंशिएट का 0.5 तो 1/4 हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर बाय 4 आंसर. तो आंसर इज क्यू आर स्क्वायर बाय 4. आया कुछ समझ में है? समझ गया. अब मान लो आपसे पूछा मैंने एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, या टी सेकेंड्स के बाद ओमेगा एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी. If this ring is free to rotate, तो rotate करने लगे गौतम क्या कहना चाह रहा है, सर आदित्य बोल रहा है उसको अंदर लेने के लिए वेटिंग रूम में है वो, आ गया आदित्य. सी व्हाट आई एम सेइंग इज टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस रिंग पे, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, कैरी चार्ज देखिए उस पर टॉर्क लग रहा है ना, ये टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा. तो